हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है उदास, मैं हूं बशीर। सो गाइस, कल 1,00,000+ लोगों ने मिलकर इंडिया का नेशनल एंथम गाया, मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच शुरू होने से जो पहले होता है। हाँ। और घूस बम्स मोमेंट्स थे, कितने लोगों को घूस बम्स मिले, और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था ये उस चीज़ का। तो पहले देखते हैं कैसा लगा, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हो, कोई भी स्टेडियम मिला के इतना बड़ा, एक जगह पर 1,00,000 से ज्यादा लोग, मतलब 1,32,000 लोगों से 30,000 जितनी भी कैपेसिटी है ग्राउंड की, उससे लोग फुल हो, फुल भरो भाई, और नेशनल एंथम गाया जाए भाई, तो उससे बड़ी क्या बात, क्या मोमेंट था यार। सीरियसली, क्या सच में घर में बैठे लोग भी गा रहे होंगे? मैं कहता हूँ सीरियसली घर में जो उनको देख कर ना, जिस तरीके से घर में बैठे लोग भी इसी तरह गा रहे। ये चीज होती है गाइज, ये चीज होती है अपने देश से मोहब्बत। इस तरह देखो लोगों ने गाया, मैं कहता हूँ ये सुनकर ना जो खिलाड़ी थे वो भी इतने पंप हुए कि मैच जल्दी खत्म हो गया। सही बात, मतलब सीरियसली इंडियन प्लेयर्स ने फौरन आउट किया सबको, पाकिस्तानियों को, आराम से वो जीत गए, उनका जज्बा ही इतना बढ़ गया था। वाकई में, वाकई और यार एक ये मोमेंट देख लो, फिर उसके बाद जो दूसरा मोमेंट था जब वंदे मातरम सब, वंदे मातरम हमने देखा था, वो मोमेंट वो भी बहुत मस्त मोमेंट। अच्छा, उसके बाद तुमने एक और मोमेंट भी नहीं देखा, जय श्री राम के जब नारे लगे उसके, वो मोमेंट भी नहीं देखा, बड़ा कमाल का था। तो ये जो चीज था ना, ये जो चीज था, ये इसको बनाता है। इसीलिए बताते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट जो ऑडियंस है, क्रिकेट लवर है दुनिया में, वो है भारत में। और यार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए किसने ग्राउंड में जाकर मैच देखा है। आप में से काफी सारे लोग, काफी लोग गए होंगे, किसने ग्राउंड में जाकर मैच देखा है, या किसने किस तरीके से देखा है, बड़ी स्क्रीन पे देखा है, या किसी ग्राउंड में जाकर दोस्तों के साथ देखा है, या घर में साथ, घर में देखा है, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, किसने किस तरीके से मैच देखा है, ये हमसे लास्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भाई घूस बम्स किस किस को आए हैं गाइस, जब ये वाला, जब आपने अपना एंथम सुना और साथ में लोगों को गाते, क्योंकि रही बात कल के मैच की, तो वो शुरू होती ही खत्म हो गया पाकिस्तान का, सच बोलूं तो कल शुरू होती ही खत्म हो गया, कल शुरू होती ही खत्म हो गया। और इंडिया ने, मैं कहता हूँ, बुरे तरीके से हराया है, बहुत बुरे तरीके से हराया, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हराया। तो आप लोग लाजमी अपनी ये चीजें बताइएगा हमसे, कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।